हेलो गाइस, वेलकम टू शेयर बाजार। दस स्टॉक्स का मैं क्विकली रैप अप कर देता हूं आज के। टाइटन कंपनी एक ज्वेलरी स्टॉक की लिस्टिंग के चलते, बजाज ऑटो एक नया लॉन्च, इंडसइंड बैंक एक ब्रोकरेज रिपोर्ट, इंडिया शेल्टर में मार्की फंड्स का कल चेक इन, कल की लिस्टिंग क्रॉस में भी एक एफआईआई ने खरीदारी करी, इन्फोसिस बैठक से पहले, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस एक कोलैबोरेशन के चलते, एचईजी सीएफओ के एग्जिट के चलते और ग्लोबल स्पिरिट्स नए लॉन्च के चलते इनको रखा है ग्रीन में। ओके, खबरों पर ही ज्यादा फोकस और डिलीवरी। इसने कंफर्म किया है कि टीम ग्लोबल लॉजिस्टिक्स के साथ इन्होंने टाई अप कर लिया। जो खबर कल चल रही थी वो सही है, क्रॉस बॉर्डर भी सर्विसेज शुरू करेंगे। टॉरेंट पावर ने गुजरात सरकार के साथ एमओयू साइन किया 5 गीगावाट के लिए। कनोरी केमिकल ने बताया कि जो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगी है प्रोडक्ट पर वो इनके लिए काफ़ी बढ़िया फायदेमंद है। आईजीएल एमजीएल में यूबीएस ने अपग्रेड्स दिए हैं, बाइकॉल्स हैं इनकी दोनों पे ही और काफ़ी ऊँचे टारगेट्स भी हैं। वेदांता के लांजीगढ़ रिफाइनरी में थोड़ा वाटर सीपेज की वजह से आसपास के इलाकों में थोड़ी दिक्कत हो रही है, सुलट भी रखते। बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे कल ही लिस्टिंग हुई और फिलिप कैपिटल की बाइकॉल आ गई और 210 का टारगेट आ गया। यहाँ पे कार्बोरंडम यूनिवर्सल ने एक छोटी सी कंपनी सिलिकॉन के जो यूएस में उसका एक्विजिशन कर लिया है। और ओला इलेक्ट्रिक में भी गोल्डमैन सैक्स की बाइकॉल है, 160